एबीपीएस न्यूज गांव की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का कारवा जनपद सांजापुर के ब्लॉक पोवाया में स्थित बेला छेदा गांव पहुंचा। ग्रामवासियों ने सुशीला देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी व 1350 वोटर वाला यह गांव प्रधान के भरकस प्रयासों से विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण आज भी 10 परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो मौजूदा हालात में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 74 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, 20 विद्युत पोल प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। वहीं प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य 12 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, चक्रोड, तालाब के साथ साथ अपनी देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, शमशान घाट, इंटरलॉकिंग पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमने काम कराया कटका में जो है खड़ंजा मरम्मत का कार्य, 6 रिबोर नल करवाया है, हैंडपंप मरम्मत चल रही है और बनियानी में दीवार और प्लस मिट्टी का कार्य और खड़ंजा ये दोनों कराए हैं। एक दूसरी जगह खड़ंजा और नाली का निर्माण हुआ है और यहाँ बेला में 211 मीटर इंटरलॉक हुआ है, 85 मीटर इंटरलॉक हुआ है, एक नाली 150 मीटर बनी है। यही सारे काम कराए हैं हमने। है जैसे आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, ग्राम पंचायत में जो है बारात घर होना चाहिए और शमशान घाट की आवश्यकता है और नलों की आवश्यकता है और ये बारात घर की आवश्यकता है, पंचायत घर, इन चीज़ों की अधिक आवश्यकता है। तो इतना कम प्रधानों को मिल रहा है, उसमें जो है पेट्रोल का खर्चा नहीं निकल पाता है। 80 रुपये में लीटर पेट्रोल है, अब 3500 रुपये में क्या होता है। कायदा में जो है प्रधान का मानदेय जो है 10 से 15 हज़ार होना चाहिए। फार्मर की बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग बिजली से वंचित हैं, अब बिल भी भर रहे हैं।